हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की विज्ञान की एक नए यूनिट की चर्चा करने वाले। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रकाश का सारा लेक्चर देख लिया होगा तो आज हम शुरुआत करेंगे विद्युत धारा की। और विद्युत धारा की शुरुआत करने से पहले प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें यहाँ ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, दो प्रश्न, एक विद्युत मोटर और एक प्रत्यावर्ती धारा जनित। यदि आपने इन दोनों क्लास को जम के देख लिया, आपको आ गए, तो आप एग्जाम में समझिए आपके 7 नंबर पक्का हो गए, पक्का हो गए। प्यारे बच्चों, तो इन सभी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम समझेंगे कि विद्युत धारा की उत्पत्ति आखिर होती कैसे, भाई विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है। तो उनको समझने के लिए आज हमारी केवल क्लास रहेगी विद्युत आवेश के बारे में। यानी आज के क्लास में केवल हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपके टाइम को ना गंवाते हुए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। परंतु स्टार्ट करने से पहले वही दो बातें कहना चाहता हूं, यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं भाई, विद्युत धारा तो है नाम चैप्टर का, मैं मान रहा हूं विद्युत धारा है, भाई उनसे पहले विद्युत आवेश समझना है। तो चलिए इनको हटाते हैं धारा भाई साहब को, और यहां लगाते हैं आवेश, ठीक, जिसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, ई एल ई सी टी आर आई सी सी एच ए आर जी ई। अब आइए समझते हैं। अब भैया क्या होता है, ध्यान से समझिए, आपको मैं दो हिसाब से बताऊंगा विद्युत आवेश के बारे में। एक आप ऐसा लीजिए कि एक कांच की छड़ लीजिए, क्या लीजिए? कांच की छड़, ठीक। ये भैया ये कांच हो गया, चलो, पर कहीं जाओ पड़ोसी में मांग के लिए क्या हो, सूती वस्त्र। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के पास नहीं होगा भाई, होगा ना, तो सूती वस्त्र ले लीजिए, या हम कह दे ऊनी वस्त्र, ठीक। अब हो गया, उसके बाद अगर आपको यह सब ना मिले, अगर आप सबको कांच का छड़, सूती वस्त्र के कपड़े ना मिले, तो प्यारे बच्चों आप एक आबुनस की छड़ खरीद लीजिए, एक आबुनस की छड़। अब आपको पता होगा आबुनस कैसा दिखता है, आपको स्क्रीन पे आबुनस की छड़ दिखाई पड़ रहा होगा, देख उसी प्रकार का दिखाई। ये नहीं पहुंचो बाजार में आबुनस की छड़ का लेके चले आओ लाठी वाला डंडा, उससे थोड़ू आवेश उत्पन्न होगा। अब आबुनस की छड़ हो गए, फिर उसके बाद एक बिल्ली पकड़ो और बिल्ली को मार डालो मारने के लिए नहीं बोला भाई, एक बिल्ली ले लो, उसी बिल्ली को पकड़ लो, बिल्ली के पकड़ने के बाद बिल्ली के खाल पर इसी आबुनस की छड़ को रगड़ डालो, बिल्ली मौसी से बोलो कि भाई एक मिनट रुके रहो, इस आबुनस की छड़ को मुझे रगड़ने दीजिए। तो ये क्या है? बिल्ली की खाल है। किसकी खाल है? बिल्ली की खाल है, मारना नहीं है, ध्यान देना। अब बिल्ली की खाल से आबुनस की छड़ को हम रगड़ते हैं, मतलब समझिए जरा सा, और कांच की छड़ को सूती वस्त्र से रगड़ते हैं। तो चलिए रगड़ते हैं भाई, इनको एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। रगड़ने पर संसार में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर आपस में रगड़ा जाए, जिनको आपस में क्या किया जाए, रगड़ा जाए। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने अपने स्केल देखा होगा, स्केल, स्केल जिसे मीटर स्केल करें, जिसे जो स्केल होता है फीता होता है, इस पे ऐसे तमाम प्रकार के खाने बने रहते हैं ना, ऐसे करके, तो ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक। अगर हम इनको सूखे बालों से क्या करें, रगड़े, ये समझ लो भाई किसी का सर हो गया और सर के ऊपर ये सब निकले बाल है, ये बाल है, चलो अब भाई आप लोग ऐसा समझिए कि ये बाल है। अब ये सूखे बाल हो गए, आपको कितने एग्जाम्पल बता दें प्यारे बच्चों, और ये स्केल हो गया, समझिए जरा सा, ठीक। उसके बाद एक एग्जाम्पल लास्ट,
कंघा जिसे कहते हैं, जो आप लोग दिन में कितनी बार बाल झाड़ते होंगे वो आप जानोगे, मैं नहीं जानता, मैं कैसे जानूंगा। ये कंघा हो गया। कंघे को भी अगर हम सूखे बालों से क्या कर दें भैया, रगड़ दें। किससे रगड़ दें? सूखे बालों से रगड़ दें, सूखे बाल। अब आइए हम देखते हैं इन सब में से कुछ चीज पॉसिबल है जो आपको आराम से मिल सकता है, उनको रगड़ के देखते हैं। चलिए अभी एक दो मैं भी करके देखूंगा आप लोगों के साथ, क्या ऐसा होता है कि झूठ झूठ सब बोल के गए थे भैया। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनको आपस में रगड़ा जाए, जिनको आपस में रगड़ा जाए, जैसे कांच की छड़ को सूती वस्त्र से रगड़े, आबू नस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दे, स्किल को सूखे बालों से रगड़े या कंघे को सूखे बालों से रगड़े, तो हम देखते हैं इनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये सभी पदार्थ छोटे 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 कणों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर देते हैं। इन्हें हम कहते हैं, ये जिस गुण के कारण जो गुण आया, इससे पहले तो ये दोनों नहीं आकर्षित कर रहे थे, सूती वस्त्र इससे पहले नहीं आकर्षित कर रहा था, परंतु जब आपने उनको रगड़ा, आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद इनमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये छोटे 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 कणों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भैया वही गुण इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता, वही गुण विद्युत आवेश कहलाता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया दूसरे वर्डों में, यानी हमने कहा कि जब आप कोई ग्लास लेते हैं, अब किसी ग्लास को जो है, किसी ग्लास को या किसी आबुनस की छड़ को, या हम कह दें किसी मीटर स्केल को, या हम कह दें किसी कंघे को, भैया जब हम किसी कांच की छड़ को किससे रगड़ देते हैं? सूती वस्त्र से रगड़ देते हैं। क्या ऐसा होता है आप जरूर देखिए प्यारे बच्चों। आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े, ये दोनों आपके लिए पॉसिबल नहीं, ना तो आपको बिल्ली मौसी मिलने वाली है, ना तो आबुनस की छड़। भाई कोई चीज ऐसा दुनिया में नहीं कि जिसको चाहो वो ना मिले, मिलेगा, परंतु आपको इसको ज्यादा ज्यादा कठिनाई झेलना पड़ेगा। भाई जो आपके पास है वो देखो, मीटर स्केल को आप रगड़ के देखिए सूखे बालों से, फिर उसके बाद कंघे को सूखे बालों से रगड़ी। तो चलिए हम आपको देखते हैं, आइए कुछ चीजें देखते हैं कि क्या ऐसा होता है प्यारे बच्चों इसको रगड़ने की बात कराओ जाए कि रह दिया जाए टाइम नहीं। तो गाइस आप जरूर कीजिएगा, और आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल सही है, और अगर ना हो तो बताइएगा, तब मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये जब इन सबको आपस में रगड़ा गया, तो रगड़ने के बाद ये देखा गया कि इनमें तो एक विशेष प्रकार का शक्ति हाजिर है, जिसके कारण ये छोटे 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 कणों को अपनी ओर खींच ले रहे हैं। उसी शक्ति उसी गुण को हम इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दे रहे हैं, उसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्या इतनी बात आपके भेजा में गया? बिल्कुल जाना चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल। यानी हम कह सकते हैं, अब देखो भैया आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, दो चीज नाम आ रहा है, दो चीज, या तो आकर्षित करते हैं या तो क्या करते हैं प्रतिकर्षित। सोचिए दो वर्ड का नाम आया, या तो आकर्षित या प्रतिकर्षित। भैया आकर्षित करने को हम कहते हैं विद्युत गुण, विद्युत क्षेत्र, क्या? विद्युत। और प्रतिकर्षित करने को कहते हैं चुंबक के गुण। एक चुंबक दूसरे चुंबक को भैया प्रतिकर्षित भी करता है, आकर्षित भी करता है, परंतु प्रतिकर्षित के लिए हम चुंबक का नाम दे रहे हैं और विद्युत के लिए आकर्षित। यानी हम अगर परिभाषा देना चाहें तो विद्युत आवेश तो गाइस हम लोगों ने देख लिया कि संसार में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें विद्युत, यानी हम कह दें उनमें एक प्रकार का ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं प्यारे बच्चों। वहां पर मैंने परिभाषा लिखा है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं।
अब यहां पर दो चीजें, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पे आवेश दो प्रकार के होते हैं। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के आधार पे आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। प्यारे बच्चों, धनावेश और ऋणावेश को समझने के लिए हम लोग एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, दूसरे तरीके से समझेंगे इसको। तो हम यहां मान लेते हैं कोई परमाणु ए है और कोई परमाणु बी है। अब संसार में जितने परमाणु होते हैं वो छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं। वो छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परंतु इस नाभिक के चारों तरफ एक आवेशित कण, एक ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। वही सेम टू सेम यहां भी प्रोसेस दिखाया गया। परमाणु बी में भी एक नाभिक है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, कक्षा में परिक्रमण कर रहा है भैया। इस बात को आप समझिए जरा सा। मैंने क्या कहा कि परमाणु, सभी परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों, अब परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परंतु मुद्दे की बात यह है, जब ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो ये पूर्ण रूप से पूरा परमाणु उदासीन होता है। ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि जितने इसमें ऋणावेश पाए जाते हैं उतने इसमें धनावेश पाए जाएंगे, जितना यहां ऋणावेश पाया जाएगा उतना यहां भी धनावेश पाया जाएगा, यानी जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। इसी कारण दोनों परमाणु उदासीन हो जाते हैं। परंतु यदि हम इन दोनों को आपस में रगड़ें, यदि हम किन्हीं दो परमाणु को आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, किन्हीं दो परमाणु को आपस में रगड़ने पर, बात समझिए जरा सा, किन्हीं दो परमाणु को आपस में रगड़ने पर, किन्हीं दो परमाणुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो परमाणु में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी भी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में आ जाता है। आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि दोनों परमाणुओं को रगड़ा और परमाणु बी में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस कक्षक में प्रवेश कर गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाले परमाणु में चला आया। अब बोलिए प्यारे बच्चों, इस परमाणु में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई प्यारे बच्चों, कमी हो गई। ध्यान से समझिएगा जरा सा। और इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या हम कह दें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। तो सोचिए जरा सा, जो दोनों परमाणु उदासीन रहा करते थे, जो दोनों परमाणु रूठे रूठे रहते थे, उन दोनों को जब आपस में आपने रगड़ दिया तो रगड़ने के बाद आपने देखा कि इनका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला आया, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गए प्यारे बच्चों। और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाता है, वो ऋण आवेश नहीं बल्कि धन आवेश हो जाता है, अर्थात ये धनावेश हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर दूसरे परमाणु में चला जाता है तो वो परमाणु धनावेशित कहलाता है, और जिसमें आता है वो कौन सा कहलाता है प्यारे बच्चों, ऋणावेशित कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणावेशित परमाणु कहलाता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत,
किसी को कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, तो हम यहां से ये इलेक्ट्रॉनों की सिद्धांत के आधार पे भी धनावेश और ऋणावेश को समझ सकते हैं, या हम कह दे इलेक्ट्रॉनों की सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी विद्युत आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? जब किन्हीं दो परमाणुओं को आपस में रिपल्सन किया जाता है, जब किन्हीं दो परमाणुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो किसी भी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में चला जाता है, किसी भी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में चला जाता है। इस प्रकार जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है वो धनावेश हो जाता है, और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपका ऋणावेश हो जाता है। इस बात को आप समझे, इस प्रकार ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर बात आई धनावेश किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो धनावेश की डिफिनीशन यहाँ पर देखिए, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो पदार्थ धनावेश कहलाते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, वो ऋणावेश कहलाते हैं। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वो हमारे ऋणावेशित हो जाते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है अर्थात जिन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाते हैं वो धनावेशित हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके धनावेशित और ऋणावेशित को परिभाषा आप दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आवेश समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करेंगे आवेश के मूल गुण के बारे में। आवेश के गुण क्या होते हैं, अब हम इनको मूव करने वाले हैं। अब हमारी टॉपिक आती है प्यारे बच्चों, इसी में आवेश से जुड़ा ही आवेश के गुण। आवेश के गुण, चलिए एक एक पॉइंट करके जानते हैं आवेश के गुण में। अब आवेश के गुण में सबसे पहला पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अभी आपने पढ़ा धनावेश और ऋणावेश, तो धनावेश ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर लिखना चाहे तो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित मतलब आप समझे, सजाती मतलब समान आवेश, यानी धन, एक धन आवेश दूसरा धन आवेश आकर्षित नहीं प्यारे बच्चों बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं। आइए हम समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सजाती आवेश का मतलब हुआ कि एक पर हम क्या कह दें, एक आपका धनावेश है और दूसरा भी आपका क्या है, धनावेश है। तो यहां देखिए, ये हमने कह दिया कि ये आपका धनावेश है, ठीक। अब आप दूसरा भी ले आएंगे और दूसरा भी क्या हो, धनावेश हो, तो धनावेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर की तरफ खेलते हैं। प्यारे बच्चों, ये कभी एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते। और अगर दूसरी पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो विजातीय आवेश होता है, विजाती मतलब प्लस माइनस, विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता, आकर्षित का मतलब खींच लेता है, आकर्षण बल लगता है। अब जैसे आपने क्या कहा कि कोई एक धनावेश ले लिए, एक प्लस ले लिए और एक क्या ले लिए, माइनस ले लिए, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर आकर्षण बल लगेगा, ठीक। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगली पॉइंट हमारी क्या है, जो अगली पॉइंट है प्यारे बच्चों, आवेश, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। अगली पॉइंट की बात करें तो आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, आवेश को किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? क्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक। अब अगली पॉइंट की बात करें, आवेश को क्यू से व्यक्त कर लिए, आवेश एक कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। अब हम आवेश के मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आवेश का एसआई मात्रक
एस आई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, वो कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम होता है। ठीक, क्या होता है? कुलाम होता है। अगला बात करें तो आवेश का जो है यम के एस पद्धति में मात्रक, आवेश का यम के एस पद्धति में मात्रक, यम के एस पद्धति में मात्रक। तो गाइस बात करें अगर यम के एस पद्धति में मात्रक, तो हम इसको निकाल सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। अभी आगे की टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा आई इंटू टी कहाँ सारा है बच्चों। ठीक, आई इंटू टी। आई क्या है? धारा है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर। और टी का मात्रक सेकंड, तो क्यू का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर सेकंड। ये एमकेएस पद्धति में हो गया। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि सीजीएस पद्धति में आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, किसमें? सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करें तो होता है ESU। क्या होता है? ESU शॉर्ट फॉर्म है ESU, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रास्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा 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 स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रा स्टैट इलेक्ट्रा स्टैटिक स्टैटिक यूनिट। ठीक, ये होता है। बात समझ में? आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक ईएसयू या इलेक्ट्रा स्टैटिक यूनिट होता है। आइए कुछ पॉइंट और जानते हैं हम लोग। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक ईएसयू या इलेक्ट्रा स्टैटिक यूनिट होता है। अब हम बात करें एक ईएसयू बराबर या एक कूलाम में कितना ईएसयू होता है। तो एक कुलाम बराबर होता है एक कुलाम बराबर होता है गाइस 3×10⁻⁹ ESU। एक कुलाम बराबर होता है 3×10⁻⁹ ESU। ठीक, ये रहा आवेश का। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, दिखाता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? फैराडे होता है। अगर आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे बराबर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कुलाम। एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कुलाम होते हैं। ये तो रही आवेश के मात्रक के बारे में कहानी। अभी कुछ और चीजें हैं प्यारे बच्चों जो कि अभी बचे हुए। अब हम अगर चर्चा करें आवेश की बीमा की, किसकी चर्चा करें? आवेश की बीमा की। तो प्यारे बच्चों हम आवेश की बीमा, अभी तो आप कक्षा 10 में है, 11 में बताया जाता है, आएंगे 11 की क्लास में तो हम लोग चर्चा करेंगे। आवेश की बीमा इतना याद रखिएगा एटी होता है। अब कहाँ से होता है, कैसे होता है प्यारे बच्चों, वो लंबी प्रोसेस है। अंकित तिवारी एक गायक, याद रखिएगा आवेश की बीमा अंकित तिवारी अर्थात एटी। ठीक, अब बात करते हैं, अब हम बात करें आवेश की बीमा तो हो गई एटी, इतना बात हो गया। यदि प्रश्न उठा कि एक कुलाम आवेश का मतलब क्या, एक कुलाम आवेश का मतलब क्या बेहद अच्छा, यानी यदि किसी पदार्थ में एक कुलाम आवेश है तो इसका मतलब हम समझे उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये बात कर रहे हैं। तो हम कह ये अगली पॉइंट है कि एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25×10⁻¹⁸ होता है। ठीक, अब अगर मुझे किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा ज्ञात करना है
उसके लिए कौन सा व्यंजक लगाएंगे प्यारे बच्चों? आइए गाइस बात करते हैं किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा के लिए फार्मूला। ठीक, तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन हो, क्या हो? यन हो, तो पदार्थ में आवेश की मात्रा क्यू बराबर होता है एन ई। ये सूत्र की मदद से प्यारे बच्चों हम आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब इस फार्मूले पर जितने भी सवाल हैं प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में जितने इस फार्मूले पर सवाल पूछता है वो आपको यहाँ पर आई लिंक में दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, आप वहां से जाके देख सकते हैं, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। ठीक, आप ये मत सोचिएगा कि कक्षा 12 की क्लास है, आप वहां पर इससे ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो गया? एन ई, जहां एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, और जो ई है ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपकी आवेश की डिटेल वाली कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको आवेश से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक थी वो सारी टॉपिक खत्म हो गई होंगी। ठीक प्यारे बच्चों, और उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।